बिना कोई झंझट के घर पे मूंग के स्प्राउट्स बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। कई बार ना स्प्राउट्स बनाते टाइम वो चिपचिपे हो जाते हैं या तो एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, लेकिन मैं जो आपके साथ ये तरीका शेयर कर रही हूँ उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक एक स्प्राउट्स इतना लंबा लंबा और ये देखिए एकदम खिला खिला सा तैयार होगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ही नई नई और मज़ेदार टिप्स आप जान सकें। तो मूंग की स्प्राउट्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कटोरी मूंग लिया है और अभी बजे हैं रात के 8, तो ये वाली प्रोसेस हम रात में चालू करेंगे। तो अभी 8 बजे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन मूंग को 2-3 बार पानी से धो लेंगे और उसको पानी में छोड़ देंगे पूरी रात भर के लिए ताकि वो अच्छे से फूल जाए। तो अभी बजे हैं सुबह के 7 और ये जो हमारे मूंग हमने पानी में फूलने के लिए छोड़ दिए थे, ये देखिए एक एक दाना इसका अच्छे से फूल गया है। तो अब क्या करेंगे ना, इस मूंग में से सारा पानी हम निकाल देंगे और मूंग को हम इस कटोरे में ही छोड़ देंगे। अब मैंने यहाँ पे एक कॉटन का कपड़ा लिया है और इसको हम इस तरीके से नीचे बिछा देंगे और फिर मूंग को हम इस कपड़े के अंदर ले लेंगे। अब इसके बाद इस कपड़े को चारों तरफ से इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे और एक रबर बैंड लेंगे और रबर से इसको हम ऊपर से पूरा अच्छे से टाइट बांध देंगे। यहाँ पे रबर के बदले आप कोई कपड़े से भी इसको बांध सकते हैं। बस आपने यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो कपड़ा है ये कॉटन का होना चाहिए। तो अब इसको बांधने के बाद ये देखिए ये एक पोटली की तरह बन जाएगा। फिर इस पोटली को मैंने मेरे बालकनी में जो कपड़े सुखाने वाली डोरी होती है उसके ऊपर इस तरीके से बांध दिया है, मतलब कि ये जो मूंग की पोटली है ना इसको हमें हवा में इस तरीके से टांग के रखना है। और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको पूरी तरीके से गीला कर लेंगे और ये जो पोटली है ना इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे 24 घंटे के लिए, मतलब कि अभी सुबह 7 बजे हैं और 7 बजे मैंने अभी इसको टांगा है तो दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक हमें इसको टांगे रखना है इसी तरीके से। और इन टोटल 24 घंटों के अंदर आपने थोड़ी थोड़ी मतलब 4-4, 5-5 घंटे के डिस्टेंस पे थोड़ा थोड़ा पानी इस तरीके से डालते जाना है। बहुत ज़्यादा बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, टोटल 24 घंटे में 4-5 बार आप पानी डाल सकते हैं। तो अभी 24 घंटे पूरे हो गए हैं, मतलब कि दूसरे दिन के सुबह 7 बजे हैं। तो अब इसको हम खोल लेते हैं और ये देखिए इतने लंबे लंबे स्प्राउट्स इसके तैयार हो गए हैं। और क्योंकि हमने इनको खुली हवा में टांग के रखा था तो ये चिपचिपे बिल्कुल नहीं होते हैं। ये देखिए एकदम खिले खिले से इस तरीके से स्प्राउट्स तैयार होते हैं। मेरे घर में हम सब डेली किसी न किसी फॉर्म में स्प्राउट्स खाते हैं। इसका सैलेड तो ऑलमोस्ट डेली तैयार होता है, लेकिन इसके अलावा कभी मैं इसका ढोकला या तो डोसा या कुछ ना कुछ मैं हमेशा बनाती रहती हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने इन्हीं स्प्राउट्स में से एक बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता और साथ में एक चटनी भी डाली हुई है जिसे आप ब्रेकफास्ट या डिनर कभी भी बना के खा सकते हैं और उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपकी जान पहचान में ऐसा कोई हो जो स्प्राउट्स तो खाना चाहते हैं लेकिन उनको स्प्राउट्स ठीक से बनाना नहीं आता है तो ये वाली वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। आपकी एक छोटी सी हेल्प किसी के बहुत काम आ सकती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई रेसिपी के साथ।